आगे बढ़ते हैं। गुना में अपराध पर रोक लगाने गुना प्रशासन ने एक अनोखी मुहिम चलाई है, आ अब लौट चलें। मुहिम के तहत आपराधिक प्रवृत्ति छोड़कर सामान्य जीवन में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा की पहल पर पारधी समुदाय बाहुल्य ग्राम बीलाखेड़ी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ पर पारधी समाज के युवक युवतियों को रोजगार दिया गया, साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। एक तरह से माना जाता है गुना जिले में कि पारधी समुदाय अपराध सबसे ज्यादा करता है, और इसी को लेकर लगातार कार्यक्रम चलते हैं। इसी कड़ी में अब लौट चले कार्यक्रम समाज उत्थान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें खुद डीजे साहब मौजूद हैं। सर, लगातार देखा गया है कि ये अपराध की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, कोर्ट में केस आते हैं, किस तरीके से इन्हें ज़्यादा अच्छी विधि सहायता मिले और ये समाज के मुख्य धारा में आए। ये आज का कार्यक्रम पारधी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया गया था, और ये दूसरा प्रयास है हमारी ओर से। इस प्रयास में आपने देखा कि आज कुछ लोगों को रोजगार भी दिलाया गया है, और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उसको शिक्षा की ओर प्रेरित करें। जिस तरीके से अभी मंच से आपने कहा कि इसको प्रचारित नहीं किया गया है, तो कोई ऐसा नंबर, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग कुछ करेंगे? हमारे यहाँ नंबर है, ऑनलाइन मिलेगा आपको, आप सर्च करेंगे जैसे 15100 एक नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है। 15100 एक नंबर है जिसपे आपको विधिक सहायता मिल सकती है। आइए, हम यहाँ पर कलेक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से जल्द इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ेंगे। आज इस ये जो कार्यक्रम समाज उत्थान कार्यक्रम जो किया गया था, उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो इनको समाज की मुख्य धारा में इनको कैसे जोड़ा जाए, उनके हक क्या है वो उनको बताया गया था। उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि उसमें कि लोगों को भरोसा दिलाना है कि प्रशासन है उनके साथ में, अगर वो इससे जड़ से उठ के निकल के आना चाह रहे हैं तो हम उनको मदद करने के लिए हैं। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहे, इसके लिए टीम का गठन, इसमें हमने एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेम्बर्स रहेंगे, एंड इसमें लगातार इस कमेटी को रखते हुए मॉनिटर करेंगे कि इस एरियाज़ में जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हमारे फेस कर रहे हैं वहाँ पर कैसे हम लोग इम्प्रूव करें, इसको हम लगातार प्रयास करेंगे। यहाँ पर गुना एसपी भी मौजूद हैं, गुना एसपी से बात करेंगे। जिन्होंने एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम के खुलासे किए हैं, और इस बार शिवराज सिंह जी ने भी इनकी तारीफ की है, लगातार क्राइम के खुलासे किए हैं। और अब जो पारधी समुदाय है उसे मुख्य धारा में लाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया, तो किस तरीके से आज 10 लोगों का सिलेंडर भी यहाँ हुआ है, कैसे और क्या क्या कार्यक्रम इनके लिए चलेंगे? जब मैं यहाँ आया था तब से, चूँकि यहाँ दबिश दी गई, उस दबिश के दौरान यहाँ के गांव वालों से मेरी चर्चा हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि पूरा गांव ऐसा नहीं चाहता। मुश्किल से 10% हैं जो अपराध कर रहे हैं, बाकी पूरा गांव एक सही ज़िंदगी जीना चाहता है। हमारी डीजे साहब से चर्चा हुई, कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, सभी पहले से इस दिशा में प्रयासरत थे, और सबके सामूहिक प्रयास से आज ये सम्मेलन हो पाया, जिसमें कि आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अब लौट चलें समाज की मुख्य धारा में हम सबके साथ, तो अब ये सब हमारी समाज की मुख्य धारा में आने के लिए तत्पर हैं। आश्चर्यजनक रूप से आज 10 लोगों द्वारा इसमें आत्मसमर्पण किया गया, 10 शातिर अपराधियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, और वो समाज की मुख्य धारा में शरीक होंगे। नियम अनुसार प्रक्रिया का पालन करके उनको किया जाएगा। 10 बच्चों को, जो कि यहाँ के बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो स्वयं मेरे पास आए थे, उन बच्चों को यहाँ पर कलेक्टर साहब ने आज परीक्षण करा के और प्लेसमेंट भी करा दिया। केवल ऐसा आश्वासन नहीं है, प्लेसमेंट कराया जा रहा है, और आने वाले समय में भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हमें निरंतर ध्यान रखेंगे कि ये अपराध छोड़ें, अपराध मुक्त हों, और समाज की सही दिशा में, समाज की मुख्य धारा में शरीक हों। माननीय कलेक्टर साहब, माननीय डीजे साहब, पुलिस विभाग, ये सब उनके साथ खड़ा हुआ है, और वो निर्भीक होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते। युवतियाँ, नई जो जनरेशन आ रही है वो पढ़ लिख रही है, इन्हें प्रशासन की तरफ से प्लेसमेंट दिया गया था, और अब नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी इनके हाथ है। कितना पढ़े लिखे हैं, क्या नाम है आपका? पारधी, तो क्या लग रहा है कि आज प्रशासन ने तुम्हें यहाँ मंच पर बुलाया है, इस तरीके से नौकरी मिल रही है, क्या करोगी अपनी समाज के लिए? अच्छा ही करूँगी कुछ भी सर। अपराध जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनका सहयोग करोगी? हाँ। कहाँ नौकरी मिली है तुम्हें? सर अभी नौकरी नहीं मिली है। जॉब अपॉइंटमेंट लेटर मिला? हाँ। किस कंपनी में मिला है? गेल में। गेल गेल में।
एक तरह से जॉब के लिए जो मिलेगा वो करेंगे, सबको पढ़ाएंगे, सबको साथ रखेंगे, मेरे सहयोगी राकेश के साथ पंकज।